हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक आरू के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज का एपिसोड नंबर 45 पार्ट टू। पार्ट वन में हमने देखा कि किस तरह के कसत के साल चल रहे हैं, लोग गंदम के लिए परेशान हैं। आमूने मातुक के लोग जो हैं वो गंदम लेने के लिए शिकायत करने जाते हैं क्योंकि उन्हें गंदम बाकी लोगों से 3 गुने ज़्यादा दाम पर बेची जाती है, जिसके बदले में प्रॉफिट इजारसिफ ने उन्हें इनडायरेक्टली चैलेंज किया है कि आप जाके आवाम से गंदम ले सकते हैं लेकिन आपको अपने खजाने खोलने पड़ेंगे गंदम लेने के लिए, जिससे होके आमून के लोग ना खुश होके जाते हैं, आवाम से बात करते हैं, मगर फाइनली उन्हें पता चलता है कि उन सबकी गंदम जो है वो प्रॉफिट इजारसिफ के पास है। वहीं दूसरी तरफ बानू का जो है वो एक अगेन उदास सा रूप हमें देखने को मिला, कोई प्रोग्रेस नहीं है, और कनान के लोग भी इस कसत का शिकार होते हैं। तो क्या अब वो टाइम आ गया है जब इनके भाई प्रॉफिट यूसुफ के बोन से मिलेंगे या याकूब नबी अपने बेटे से मिलेंगे, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो अगर आपको देखना है तो आपको मेरे साथ एपिसोड देखना पड़ेगा। बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आप कुछ तो करिए बानो, वो लोग मोहब्बत को नाबूद करने पर तुले बैठे हैं, हद तक के गंदम देने से पहले भी एतराज कर रहे हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ, अब तो मुद्दत हुई कसर में मेरे अमल दखर पर पाबंदी लगा दी गई है, मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी मोहब्बत का एक कारिंदा और तरफदार समझते हैं। अगर फिलहाल हमें चंद माह की भी गंदम मिल जाए तो काफी है, अगले साल तो होने वाली फसल से मोहब्बत खुद कफील हो ही जाएगा। आने वाले 5 सालों तक तो बारिश का कहीं कोई इम्कान नहीं, लिहाजा गंदम की पैदावार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मालूम क्यों यूजारसीफ की तमाम पेशन गोइयां सच साबित हो। हमारी उम्मीदें हमेशा आपसे वाबस्ता रही हैं बानो, इस कसरे आखनातून में आमूल हो तब सुना तुमने, मेरा बेटा आमून होतब है, मैं हमेशा उसे इसी नाम से बुलाऊंगी और ये मजाक़ खेज नाम मैं कभी अपनी ज़बान पर नहीं लाऊंगी। जी बेहतर, बहुत बेहतर, वही आमून होतब, कसरे आमून होतब में सिर्फ आप ही हमेशा हमारी पुश बना रही हैं बानो। अब इस कड़े वक्त में आमून के खदमतगारों को यूं तन्हा मत छोड़ें। आप एक बार फिर जनाब आखन, माफी चाहता हूँ, जनाब आमून होतब के पास जाइए, शायद माबत की जरूरत हर गंदम का इंतजाम कर सके। ठीक है, अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। यूजारसीफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और यूजारसीफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे, इससे ज्यादा आमून को गजबनाक मत करो। बानूती बहुत गुस्से में हैं। यकीनन माबत की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदम की दस्तियाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई ना कोई निशानी देख कर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी रابطہ है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदम की खरीदारी के सिलसिले में आखमाहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूँ और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के खजाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साला इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक्तदार का खात्मा हो जाएगा। मैं
खुदावंद मताल का इरादा यह है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक्कुक पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है, वो माबत के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारावा, बस इतना काफ़ी होगा कि उन पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफीन से किसी किस्म का कोई रब्ता न कर पाए। बहुत खूब, हरमहूब को बुलाओ, मेरी माँ को उनके कसर में नजरबंद कर दिया जाए, काहिनों को उनसे हरगिज़ ना मिलने दिया जाए, और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कसर में वरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी। हमने पड़ोसी ममालिक के ताजिरों से गंदम के दरामद के बारे में सवाल किया था, लेकिन कहीं से भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि हमसाया मुमालिक भी कैद साली की जद में, शहर में भी किसी के पास गंदुम नहीं, और अगर किसी ने जखीरा किया भी था तो वो भी 2 साल की मुद्दत में खत्म हो गया। कोई और चारा नहीं, बाबजे अमून के हजारों अफराद पर मुश्तमिल खादमीन को फूक से मरता नहीं छोड़ा जा सकता, हमें उसी कीमत पर गंदुम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जनाब, मोहब्बत की तमाम तर ताकत इन्हीं खजानों पर मुनहसर है। मोहब्बत की असल ताकत उसके हामी और खादमीन है, हम उन्हें भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। इस वक्त गंदम मोहब्बत के इन खजानों से भी ज्यादा कीमती हो गई है, तो नाचार हमें मोहब्बत के खजानों से दस्तरदार होना पड़ेगा। जाएं और मोहब्बत के खजानों में से कुछ संदूकचे ले जाएं और इसके इवज टिप्स के गोदामों से जाकर गंदम खरीद लाएं। बस गंदम लिए बगैर वापस नहीं आना है। मुलाहजा किया, हम युजार सीफ के मुकाबिल शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन मैं मुनासिब मौका मिलते ही अखना चून और युजार सीफ का काम तमाम कर दूंगा। की मार हो युजासीफ पर, आमून करे युजासीफ नाबूद हो जाए। ये खजाने आमून की अजमत और माबत के इख्तदार के इस्तेहकाम का बाइस है। मेरी दुआ है कि युजासीफ और आखनतून पर खुदाओं के कहर गजब की बिजली गिरे। एक पैमाना, दो, तीन, चार, 15 पैमाने रायवांस के लिए। तुम पहले कनीज थी। 10 पैमाने ये लो। 10 पैमाने अगला शख्स। आमून कर ये तमाम सिक्के अंगारे बन जाएं और आपके ये सारे गोदाम जलकर भस्म हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो इन सिक्कों की जुदाई में आप जले भुने जा रहे हैं, इसलिए आपको इस आग में जल के भस्म हो सकते हैं, हम नहीं। ये सारे 3,000 सिक्के हैं। हाँ, बराए माबद 1,000 पैमाने। अगला शख्स। ख्याल से एक दाना भी जाए ना। एक सिक्के में हमें 3 सिक्कों देख रहे हो, हमारे दिए हुई हदीयो नजराने हैं। हाँ, सिक्के का हमने खुदाओं पर निसार किए थे, ये लोग खुद पर निसार कर रहे हैं।
लोगों के पेट भूख के मारे उनकी पीठ से जा लगे और ये इतने शिकम सहर के अपनी निकली हुई तोंदों के बायस उन्हें सामने चीज दिखाई नहीं देती। मोहब्बत के नाम पर बटोरते हैं और खुद खा जाते हैं। आहिस्ता भाई आहिस्ता, जमीन पर मत गिराओ, ख्याल रखना। दोबारा जल्दी इधर रखो। हाँ तुम इनके पीछे जाओ, मैं भी आता हूँ। ध्यान से रखना, जरा ख्याल से जाना, गंदम की हिफाजत करना। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बेचारी ज़ईफ़ा, क्यों लोगों की अज़ियत का बाइस बनते हो? चलो जाओ, कहीं और जाकर खेलो। चलो चलो। क्या आप बीमार हैं? बानो सुलेखा, ये आप हैं? तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना आपने। मैं भी कसर के खिदमतगारों में शामिल थी। जब आपने सब खिदमतगारों को आज़ाद किया था तो मैंने भी अपना घर बसा लिया था। अगर सच पूछे तो मैं अभी आपकी खादिमा हूँ। मुझे खुशी हुई तुमने घर बसा लिया। चलें बानो, मेरे घर चलें, यही नज़दीक है। नहीं, मुझे जाना है। मगर कहाँ? कसर का रास्ता इस तरफ नहीं है। किसी ने बताया है कि यूज़ार सिर्फ मिनफीस जाने का इरादा रखता है। मैं दरवाज़े सूर्य तक जा रही हूँ। चूंकि नील में पानी कम है, लिहाजा यूज़ार सिर्फ इसी रास्ते से मिनफीस जाएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये आपसे किसने कह दिया? किसी आशना ने बताया है? यकीनन किसी ने आपको तंग करने की कोशिश की है बानो। नहीं, यही इसी गली कूचे का कोई नौजवान था। और आपने उसे कोई ना कोई इनाम जरूर दिया होगा। जो मेरे यूज़ार सीफ का मुर्दा सुनाए, क्या उसे कोई इनाम नहीं देना चाहिए? फिर चाहे वो खबर झूठी ही क्यों ना हो। और अगर हकीकत हुई और वो बताई हुई जगह पर वाकई आ गया तो? लेकिन बानो, आपको तो साफ दिखाई नहीं देता, तो फिर आप यूज़ार सीफ को किस तरह देखेंगी? अभी मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। वैसे भी मुझे यूज़ार सीफ को देखने के लिए इन ज़ाहिरी आंखों की जरूरत भी नहीं। मेरे लिए तो उसकी खुशबू का सूंघ लेना ही काफी है। वो हमेशा मेरे पास होता है। जब भी आंखें बंद करती हूँ वो मेरे सामने आ जाता है। मेरा तो एक पल भी उसके बगैर नहीं गुजरा है। अगर ऐसा ना होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। बेचारी जुलेखा, कभी इनका इश्क सिर्फ हवस पर मबनी था, लेकिन अब तो ये हकीकी मानों में आशिक हो गई हैं। क्या बात है आली जनाब, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? किसी ने मुझे यूसुफ कहकर आवाज दी है, हालांकि सब मुझे मेरे मिस्री नाम से जानते हैं। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? एक खातून जो मुल्तजी अंदाज में अपने पूरे वजूद से मुझे यूसुफ के नाम से पुकार रही थी, काफी मानूस आवाज थी। देखना था तुम्हें वो दिखाई दे रही है?
किसी को भी ढूंढना बेसूल है। आप पे इतने सारे चाहने वालों में किसी एक को ढूंढना, वो भी महज आवाज की बुनियाद पर, नामुमकिन है। हरकत करें। कामा, वालिद का नाम पवात्मा। तो आप लोग आजाद हो गए। आप लोग एक माह की गंदम बिला मुआवजा ले जा सकते हैं। 10 पैमाने आगे आओ। त्या मीनी, वालिद का नाम बेंगी। अच्छा, तो ये तुम्हारी आजादी की सनद है। आप भी एक माह की गंदम मुफ्त हासिल कर सकती हैं। 10 पैमाने। अगला शख्स। ये तुम्हारे 20 पैमाने गंदम। जाओ। पता नहीं क्यों मैं उन्हें भुला नहीं पा रही हूँ। इसलिए कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो। जुलेखा से पहले उनकी हवस प्रस्ती पर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता था, उनका तो बुरा हाल। लेकिन अब मुझे उनसे अपनायत सी हो चुकी है। वो निहायत ही काबिले रहम हो चुकी है। अरे, हम यहाँ कैसे पहुँच गए? पता नहीं, हमारा तो यहाँ आने का कोई इरादा ही नहीं था। इतने सालों तक कहीं भी गए, वापस यहाँ आने की आदत सी हो गई है। अगर अभी बानो जुलेखा हमें देख लें तो कहेंगी, क्यों फिर आ गए तुम लोग यहाँ। क्या ख्याल है, थोड़ी सी गंदम बानो को ना दे दे? हाँ, दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि बानो तो गंदम लेने के लिए कभी नहीं जाएंगी। मुझे तो डर है कि कहीं भूख से मर ही ना जाए। हाँ, चलो चलो। क्या मतलब, बानो जुलेखा घर पर नहीं है क्या? पता नहीं, शायद कसर के अंदर हूँ। बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, 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 बानो जुलेखा, बानो, कहाँ हैं आप? बानो, कहाँ हैं आप?
याद आ गया, तामा मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी, जहाँ हमेशा होती हैं, अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदम पीस कर आटा गूंद लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से फाइनली महाबत आमून ने अपना खजाना खोला और वो 3,000 सिक्कों के साथ गंदम खरीदने आए और 1,000 तक गंदम लेके जाएंगे। और उसी के साथ हमने देखा कि जुलेखा के बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, हालांकि वो जो आवाज़ है जुलेखा की वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट यूसुफ के कानों में गूंजती रहती है। और देखते हैं कितनी जल्दी जुलेखा के साथ क्या होता है, क्योंकि आप सब कमेंट्स करके ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं कि जुलेखा दोबारा जवान होगी, तो शायद उसे अपनी मेहनत का, अपने कर्मों का ये फल मिल जाएगा, क्योंकि अपने उसने पूरी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान कर दी प्रॉफिट यूसुफ की चाहे आशिकी में, जो कि गलत रवैया एक करेक्टर निकल के आया है, लेकिन अगर उसे भक्ति की उससे देखा जाए, जो एक रिश्ता है, जो एक मतलब डिवोशन है जिसे मैं कहूँगी, वो नबी के लिए जो डिवोशन है, शायद उसका परिणाम उसे मिलेगा और इसलिए शायद वो जवान हो जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना, बट जो भी होगा आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।